मॉर्निंग। आज की हमारी क्लास है b.ed2nd के लिए और हमारा जो विषय है वो है कॉमर्स। कॉमर्स के अंतर्गत जो हम जो हमारा जो विषय रहेगा वो है बीएस, ठीक है। बीएस के अंतर्गत जो हमारा जो इकाई चलती थी वो थी सेकेंड यूनिट चलती थी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का अनुप्रयोग। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण संप्रेषण तकनीकी का शिक्षा के क्षेत्र में संप्रेषण तकनीकी, ठीक है, संप्रेषण तकनीकी जो विचारों को आदान प्रदान करने वाली तकनीकी होती है वो संप्रेषण तकनीकी का क्या प्रयोग होता है, किस प्रकार से कार्य करता है और इसके क्या महत्व हो सकते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कक्षा कक्ष में जन संचार माध्यम का उपयोग, एक कक्षा कक्ष के अंतर्गत जो जन संचार होता है उसको किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं वो मैंने आपको बताई थी। और आज का जो है वो शिक्षा के अंतर्गत चीजें हम शैक्षणिक तकनीकी का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, मल्टीमीडिया का उपयोग किस प्रकार से होता है, ये किस प्रकार से एक शिक्षा के क्षेत्र में आकर उसको प्रभावी बनाती है, शिक्षक के लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकती है और एक छात्र के जीवन में किस प्रकार से सरलता लाती है, वो सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी। सामान्य रूप से शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के उपयोग का विचार किया जाए तो स्पष्ट है कि इसके द्वारा एक और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके दो हर चीज के दो पहलू होते हैं, ठीक है। पहला तो ये कि इसके माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना सकता है, दूसरा क्या है वही दूसरी और शिक्षकों के विषयगत दायित्वों को पूर्ण करने में भी सहायता प्रदान करती है। और दूसरा क्या है कि जो शिक्षक है उसको उसके जो विषय से संबंधित जो भी विषय वस्तु उसको पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। कौन करती है? संप्रेक्षण तकनीकी। किसके अंतर्गत? शिक्षा के अंतर्गत। वर्तमान समय में शिक्षक शिक्षार्थी एवं शिक्षा जगत के से संबंध प्रत्येक व्यक्ति सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अभाव अपनी ज्ञान पिपासा को शांत नहीं कर पाता। वर्तमान समय में क्या होता है कि शिक्षक बहुत सारी चीजें शिक्षक अपने मन में बहुत सारे ज्ञान का भंडार समाये रहता है, वो बहुत सारी चीजें बताना चाहता है छात्रों को, आसपास के लोगों को, ठीक है, लेकिन वो उसके पास में सीमित साधन होते हैं, मतलब साधनों की इतनी कमी होती है कि वो अपने चीज़ों को अच्छे से नहीं बता पाता छात्रों को। इस प्रकार से उसको कहीं ना कहीं उसका जो ज्ञान है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर क्या होता है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से प्रत्येक विषय पर समकालीन एवं सार्थक विचारों का सर्जन होता है, क्योंकि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी मानव से एक विषय का समग्र विषय वस्तु करके करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। तो सूचना संप्रेषण तकनीकी के आने से क्या हो गया कि जो शिक्षक है वो सारी कमियों को पूरा कर पा रहा है, वो खुद से चीजें करना सीख रहा है, वो अपने विषय वस्तु को और अधिक बढ़ा रहा है और साथ ही साथ में क्या हो रहा है कि छात्र भी बहुत अच्छे से चीजें सीख पा रहे हैं, सारी चीजें कर पा रहे हैं। जैसे कि शिक्षण नीतियों एवं प्रवृत्तियों पर विचार वर्तमान में प्रचलित है, उनकी शिक्षण नीतियों और प्रवृत्तियों में क्या होता है एक ही विचार प्रबलित सारी की सारी चीज़ें प्रचलित है, जो कि संप्रेषण तकनीकी के माध्यम से सारी की सारी चीज़ें बहुत ही सरल हो गई है। कुल मिलाकर बात यह है कि जो संप्रेषण तकनीकी है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा युग कह सकते हैं अपन, क्योंकि इसके आने से शिक्षा में एक सरलता आई है, एक स्थिरता आई है और जो ज्ञान है वो लंबे समय तक दिया जा सकता है और बच्चों के लिए मस्तिष्क बहुत ही अच्छे से स्थिर रह सकता है। इससे शिक्षा में तो वो प्रभावी बनाए ही है, साथ ही साथ में शिक्षक के कार्यकाज को भी थोड़ा सा सरल कर दिया है और बच्चे की जो अधिगम जो प्रक्रिया है, जो छात्र की जो अधिगम क्रिया है उसको और अधिक प्रभावी बनाया गया है और बच्चा और अधिक उससे सीख पा रहा है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट से पहला है विषय का विकास।
विषय का विकास इससे क्या हुआ है, विषय का विकास हुआ है। कैसे हुआ है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के माध्यम से विषय के विकास की संभावना में वृद्धि होती है, क्योंकि विभिन्न संचार माध्यमों से एक ही विषय पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम चिंतन युक्त विचार प्राप्त होते हैं, इसमें विषय का विकास संभव होता है। वर्तमान समय में प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के विकास साधन सूचना संप्रेषण तकनीक की देन कहा जाता है। इसी विषय का विकास जिसकी एक नॉर्मल सा जो भी विषय उसको होता है उस पर अधिकतम एक पाठ्य पुस्तक के माध्यम से शिक्षक इतना अधिक नहीं पढ़ा सकता, ना ही बच्चे को पर्याप्त ज्ञान दे सकता है, लेकिन सूचना तकनीक के माध्यम से विषय का विकास हुआ है, उसी विषय वस्तु से संबंधित हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ खुद से लेकर छात्रों तक पहुँचा सकते हैं, और केवल सूचना संप्रेषण तकनीक के माध्यम से ही संभव है। दूसरा है विषय की पूर्णता। विषय की पूर्णता जो संप्रेषण तकनीक के माध्यम से जो विषय था वो पूर्ण रूप से होने लगा है, पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत सारी की सारी चीजें उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि एक पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों का समावेश करना होता है, तो किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के ऊपर या फिर कोई किसी पर्टिकुलर एक विषय वस्तु के ऊपर सारी की सारी चीज़ें सारी की सारी सूचना देना संभव नहीं होता। इस प्रकार से जो मल्टीमीडिया के माध्यम से ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो चुकी हैं, और एक विषय वस्तु से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो गई हैं, जिस प्रकार से विषय पूर्ण रूप से समाप्त तो हो सकता है। दूसरा है विषय का प्रस्तुतिकरण। विषय के अंतर्गत जो प्रस्तुतिकरण करते हैं उससे संबंधित है कि प्रत्येक विषय के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया में भी समाकलन की आवश्यकता अनुभव होती है, इसमें सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का ही योगदान माना जाता है। वर्तमान समय में बालकों के समक्ष वर्गीकरण एवं विभिन्न विषयों के प्रस्तुतिकरण का समकालीन स्वरूप श्रेष्ठ सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी को ही जाता है। कि विषयगत प्रस्तुतिकरण जो विषय के अंतर्गत जो प्रकरण होते हैं या फिर उसको किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, ये पाठ्यपुस्तक में के अभाव के कारण या पाठ्यपुस्तक में लिखे गए अभाव ज्ञान के अभाव के कारण इसका जो जो समस्या थी प्रस्तुतिकरण की वो दूर कर दी है संप्रेषण तकनीकी है। कि अब विषय के अंतर्गत कौन कौन से प्रकरण होने चाहिए, किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण होनी चाहिए, वो सारी सारी सूचना तकनीकी के अंतर्गत चीजें आ गई हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास कॉमर्स वालों के लिए। ठीक है, शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीक का अनुप्रयोग, उसके अंतर्गत हमें तीन महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लिए हैं कि विषय का विकास होना और विषय की पूर्णता और विषयगत प्रस्तुतिकरण, सारी की सारी किसके अंतर्गत होती है, सारी की सारी चीजें शिक्षा के अंतर्गत होती है, और ये किसके द्वारा संभव हो पाया है, ये संप्रेषण तकनीकी मल्टीमीडिया तकनीकी के द्वारा ही संभव